ये देखिए पूरा बेचैन है भाई। अरे अरे मार देगा। सो हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। अभी हमारे साथ मेरे पीछे प्रत्युष बैठा है, ये अंकित अंकुर है और पीछे अभिषेक और प्रियांशु हैगा बाइक पे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बोई रोड किसी काम से, और लेट हो गया जाने में, लेकिन ठीक है चलते हैं बोई रोड, थोड़ा तो काम है उधर। कहाँ रहता है? किधर है? सो गाइस जा रहे हैं, अभी अंकुर बोल रहा है कि इधर कोई बोरी रोड में तंदूरी चाय है, बड़ा फेमस है, कुछ अभी वहीं ले जा रहा है वो। चलो चलते हैं वहाँ पर, देखते हैं क्या है। जल्दी आऊँ। हाँ हाँ इस गली में कौन तंदूरी चाय है भाई?
कहाँ गया अंकुर? निकाल ना सो ये है तंदूरी चाय। ये अंकुर, ये अंकित यहाँ पे रुके के अभी चाय पियेंगे और फिर चाय पियेंगे यहाँ से, चाय पी के निकलेंगे यहाँ से। एक ड्रैग करने का सोचे यहाँ, जब देखिए ड्रैग हो टाइम से हो पाता है कि नहीं हो पाता, क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता ठंड में, तो देखिए हो पाता है कि नहीं हो पाता। तो चलिए अभी ले लिया हमें चाय पीते पहले। तो अभी तंदूरी चाय के पास से निकल गए हैं, मतलब बोरिंग रोड से निकल गए हैं। तो अभी अंकुर ले जा रहा है निशाबाद, शायद निशाबाद में उसका घर है, तो शायद अपने घर पे ले जा रहा हो या बोल रहा है कोई लेक या तालाब तालाब कुछ है वहाँ पर, तो वहीं पे ले जा रहा है। तो अभी निकलते हैं निशाबाद के लिए। वो लोग आगे बढ़ गया है, काफ़ी आगे चला गया है, फ़ोन आ गया था, फ़ोन पिक करने लगा था, काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गया है। चलिए पकड़ते हैं उन लोग को। ओह सुपर बाइक, सुपर बाइक की भाई अलग ही साउंड होती है। जब मार्केट में चलता है तो पता चल ही जाता है कि हाँ भाई आगे कोई सुपर बाइक चल रहा है। पहले ऊपर से हम लोग ज़्यादा थे, अब नीचे से कर दिया गया है, बड़ा सुंदर बना दिया। देखो ऊपर से पुल है और नीचे से रास्ता है, देखना कितना सुंदर लग रहा है, काफ़ी डेवलप कर दिया पटना में। तो बहुत टाइम बाद पटना में आएगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, इतना सारा ओवर ब्रिज वगैरह बन गया इधर साल दो साल में, पता ही नहीं चलेगा। उस टाइम पहले हम लोग इस वाले पुल से आ रहे थे, अब इधर से कर दिया। ये देखिए दिमाग लगा रहे हैं। अंधेरा होने लगा पटना में ठंड में, नॉर्मली 5:30 तक ठंड रात होने ही लगता है, अंधेरा हो जाता है 5:30 तो पूरा अंधेरा हो जाता ठंड के मौसम में। अरे भाई आराम से, सो अभी हम लोग चिड़ियाघर के गेट नंबर 2 के तरफ है, आगे में चिड़ियाघर का गेट नंबर 2 है। ब्लॉग भी आज का ब्लॉग भी मैंने थोड़ा आगे से हम लोग खड़े थे वहीं से मैंने स्टार्ट किया था आज का ब्लॉग भी, और फिर हम लोग घूम के यहीं आ गए कि अभी जा रहे हैं यहाँ से निशाबाद, चितकोरा पुल पकड़ेंगे, चितकोरा पुल से उतरेंगे। ये है कि चिड़ियाघर गेट नंबर 2, गेट नंबर 1 उस साइड है बेली रोड, और यहाँ से मैंने आज का अपना ब्लॉग शुरू किया था। ठंड बढ़ गई है, ठंड शाम होती ठंड बढ़ जाती है। सो ये है पटना का चितकोहरा पुल, इसके नीचे से आप चल के लेफ्ट हो जाएगा तो आप आ जाएगा हज बनवाल रोड में, और इस पर से चले जाएगा चितकोहरा पुल। काफ़ी रश रहता है इस रोड पे, बिजी रोड है ना, मेन रोड है इधर आने का, काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगेगी इस पर।
सो ये आ गया गुलंबर, और गुलंबर से हमने घूमना है राइट, ये हो जाना निशाबाद। और बाकी फ्रेंड्स पता नहीं कहाँ चले गए, काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गए। मेरा फ़ोन आ गया था ना, उसको से मुझे रुकना पड़ गया था, तब तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं। पता नहीं आगे कहीं रुके हैं कि निकल ही गए बस। भाई बहुत ज़्यादा भीड़ रहता था, बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहता। ओ ये रहा अंकित, ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक। भाई ऑटो वाला बीच में कहला आगे बैठा हुआ, शायद ऑटो खराब हो गया। ये एमजी का शोरूम है आई थिंक पटना में, शायद ये एक ही शोरूम है एमजी का, शायद मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट शायद ये पटना में एक ही एमजी का शोरूम है जो यहाँ पर है निशाबाद गुलंबर पे। यहाँ किस लिए रुक रहा है? तो यही शायद तालाब है जिसके बारे में अंकुर बता रहा था। चलिए गाड़ी लगाते हैं अंदर, देखते हैं भाई कौन तालाब है यहाँ पर। अभिषेक कहाँ चला गया? अभिषेक हो रहा, गाड़ी अपनी यहीं पे लगाते हैं। ये रहा अभिषेक, अब गाड़ी अपनी छोड़ते हैं यहीं पर, देखते हैं भाई क्या तालाब है। सो अब निकल रहे हैं यहाँ से, अंधेरा हो गया, कुछ शूट नहीं कर पाया यार, देख रहे हैं जैसे कि पूरा अंधेरा, यही तालाब, कुछ शूट नहीं कर पाया क्योंकि अंधेरा हो गया यहाँ पे। अब निकल रहे हैं घर, थोड़ा लेट भी हो गया है। ये रही मेरी बाइक का, ये रहा अंकुर, अंकुर ये लोग घर निकल रहे हैं, और ये रहा प्रत्युष। तो अब चलते हैं घर यहाँ से, तो रास्ता में कुछ अगर मिला तो शूट करेंगे, तो फिर अब सीधे घर निकलेंगे। तो अब निकल रहे हैं यहाँ से, कुछ ज़्यादा कुछ यहाँ तो मिला नहीं शूट करने के लिए, अंधेरा हो गया था पूरा, तो अंधेरा में कुछ शूट हो ही नहीं पाया यार। चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं नेक्स्ट डे शूट करेंगे, फिर कभी आएंगे यहाँ पर, तो आएंगे तो आप लोगों को भी दिखाएंगे। बहुत भीड़ रहता है यार इस रोड पे, बहुत ज़्यादा क्राउडेड, प्लस सारे ट्रक व्रक सब इधर से आता है ना, तो बहुत भीड़ हो जाता है यहाँ पर। तो गाइस फिर से घूम फिर के हम लोग पटना के गेट नंबर 2 पर आ गए, पटना जू के गेट नंबर 2 पे आ गए। यहीं से हमने ब्लॉग स्टार्ट किया था, फिर यहीं घूम के आए, फिर अब लौट रहे हैं यहीं से। तीसरी बार मैं पटना के गेट नंबर, पटना जू के गेट नंबर 2 से लौट रहा हूँ। सही है भाई, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई भाई, इस एरिया में पेड़ ही पेड़ है, ठंडी हवा इतनी ज़्यादा लगती है क्या ही बोलूँ। सो ये है पटना का राजभवन, ये पूरा जो एरिया है पूरा VIP एरिया में आता है, पूरा VIP एरिया में आता है। आप लोग देख भी रहेंगे कितना साफ सुथरा एरिया, शांति एरिया है, चारों तरफ पुलिस लगे रहते हैं यहाँ पे कि कुछ हो ना जाए। सो ये है पटना का पंचमुखी मंदिर, बहुत ही फेमस मंदिर है पटना का। ये तो फेमस है ही, साथ में यहाँ पर मिलता है सेव और बुनिया, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है पटना में। सेव बुनिया आप सब जानते ही होंगे, डेडली कॉम्बिनेशन बोला जाता है जिसे, तो वो भी यहाँ का बहुत फेमस है। ये देखिए अच्छा, बिना कोई इंडिकेटर दिए बस मुड़ जाना है भाई, क्या ही बोला जैसे ड्राइवर कितना रफ चला रहा है ये स्कॉर्पियो वाला, इसके पीछे पे चलते हैं। ये देखिए कैसा निकलने के लिए परेशान है। कितना जल्दी में ये पूरा ओवरटेक किए हुए है भाई। अरे 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 अरे, अरे, अरे।
पीछे वाला जब बोलेरो है उसका पीछे वाला चक्का वबल कर रहा है, पूरी कार ऐसे 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 से हिल रही है भाई। ये देखिए पूरा बेचैन है भाई, अरे अरे मार देगा। ये देखिए चला पूरा बेचैन है, ओवरटेक करने के लिए भाई कहाँ जाना है इसे, गलत ही चला रहा है भाई। क्या बोला जाए ऐसे से ड्राइवर को, पहले खुद तो जाएगा दूसरे को भी ले जाएगा। तो गाइस मैं आ गया हूँ घर, तो इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं। वीडियो भी थोड़ी सी लेट से आ रही है क्योंकि पटना में ठंड बहुत ज़्यादा है और मेरा तबीयत पूरा ठीक हुआ नहीं है अभी, इसलिए उतना घर से नहीं घर से जितना अवॉइड हो सके उतना अवॉइड कर रहा हूँ मैं। जिस थोड़ी वीडियो नहीं बस शूट कर पा रहा है, थोड़ी सी वीडियो लेट आ रही है, उसके लिए थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिए कुछ दिन, फिर देन रेगुलर वीडियो आने लगेगी। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच।